मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां चार चमचे उनके सामने बैठते हैं, वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है उनको, नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो। दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो। तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब था, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकली, चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए, आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने 1 युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे, सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है, अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है, आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, यह ऊपर से थोपी गई है, और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना 1 जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी, और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये संविधान का चुनाव है, ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है, और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने
देश की जनता के साथ मिलकर बनाया। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाए, और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने ये काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरब पतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवार, दलित आदिवासी परिवार, गरीब जनरल कास्ट के परिवार होंगे। करोड़ों लोगों के नाम बनेंगे, लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम इस लिस्ट में आएंगे। 5 जुलाई को 8,500 रुपए इन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठगाक से हम डाल देंगे। और बात वहां नहीं रुकेगी भाई और बहनों, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 तारीख को खटाखट 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों बहनों, उस साल का 1 लाख रुपया करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डालने जा रहे हैं, खटाखट अंदर। ये मीडिया वाले कहेंगे गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, और हम इनको जवाब देंगे, जब आप करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो उसे आप आदत बिगाड़ना क्यों नहीं कहते हो? जब गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, मनरेगा योजना में जाता है, भोजन के अधिकार में जाता है, प्रेस के लोग कहते हैं कि आदत बिगड़ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है आदत बिगड़ रही है, हम आदत बिगाड़ेंगे। 1 लाख रुपए की आदत हम बिगाड़ के दिखाएंगे। तो 1 लाख रुपए हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, कम से कम दाम अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए हिंदुस्तान के सारे किसानों को मिलेगा। आज मजदूरों को मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। 5 जून इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए मिलेगा।
आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी 5 जून को हम दुगनी करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है भाइयों और बहनों, जितना पैसा ये अरबपतियों को देंगे ना, गिन गिन कर उतना पैसा हम आपको देने जा रहे हैं, गरीबों को देने जा रहे हैं। अब इसके पीछे सोच है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हम आपको पैसा दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने इस पैसे को जाकर लंदन में, अमेरिका में, जापान में जाके खर्च किया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा बाहर चला गया। अब हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए हम डाल रहे हैं। यह पैसा आप बिहार में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे, शर्ट पैंट मोटरसाइकिल मोबाइल फोन ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आपने ये माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही जो फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखी थी वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में बिहार और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम आपको पैसा देंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी और फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, और फिर आप युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे गाड़ी को जंप स्टार्ट करा जाता है ना, पहले पेट्रोल फ्यूल टैंक में डालते हैं, उसके बाद चाबी घुमाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फ्यूल टैंक से पेट्रोल निकाल दिया, उसके बाद चाबी घुमाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब हम फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, सच्चा मेड इन इंडिया हो जाएगा। अब सबसे मजे की बात मैंने आज अभी तक आपको नहीं बताई, महिलाओं की बात कही, अब मैं युवाओं की बात करना चाहता हूं। देखिए तेजस्वी जी ने बिहार में आपको रोजगार दिया, सरकारी रोजगार दिया। हमने पता लगाया है कि हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं दी। हमारा पहला काम ये 30 लाख नौकरियां आपके हवाले करने का होगा। जैसे इन्होंने यहां बिहार में किया वैसे ही हम जाके नेशनल लेवल में करेंगे, लाखों नौकरियां आपके हाथ हम दे देंगे। दूसरा काम और शायद सबसे क्रांतिकारी काम, हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, वो मनरेगा नहीं करते हैं। इसीलिए हमने ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार दिया है, अधिकार का नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की का मतलब क्या होगा मैं बताता हूं। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, BHEL HEL जैसी कंपनियों में, हिंदुस्तान रेलवेज में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, सरकारी अस्पतालों में, एक साल के हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जो भी मांगेगा सबको एक साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी, एक साल की नौकरी मिलेगी, महीने का 8,500 रुपए, साल का 1,00,000 रुपए, खटाखट बैंक अकाउंट में जाएगा। जो ये पैसा हम महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, किसानों के खाते में डाल रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को दे रहे हैं, इसी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी, चालू होगी। ये हमारी सोच है, क्रांतिकारी सोच है। ये किसी भी दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार पहली बार ये काम करने जा रही है, इससे हिंदुस्तान के गरीबों को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है, अगर ये चला जाएगा आपके अधिकार चले जाएंगे, आपका पूरा का पूरा रिजर्वेशन चला जाएगा, आपको स्कूलों में नहीं जाने देंगे,
कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देंगे, जो भी आपको मिला है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मिलकर हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को बचाना है और इस काम को हम पूरा दम लगा के एक साथ पूरा करने को तैयार है। यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं अंशुल जी, जरा आगे आइए, इनको भारी बहुमत से जिताइए। और इंडिया गठबंधन के हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी भारी बहुमत से जिताइए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।